So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about butterfly Rosina rubber. So ये जो rubber है मैंने use किया है अपने Timo Ball ALC पे. चलिए game play की तरफ चलते हैं. चलिए शुरू करते हैं counters and top spins के साथ. जो टॉप स्पिन है वो बहुत कंट्रोलेबल है एंड बहुत पावर मिल रहा था मेरे को इस रबर के थ्रू, क्योंकि इसमें जो स्पंज यूज़ किया गया है वो है स्प्रिंग स्पंज जो सेम टेनर्जी में होता है. इसमें जो स्पंज है वो थोड़ा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू टेनर्जी ओ 5. एज यू कैन सी आई वॉज एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ पावर विद दिस रबर बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग स्पंज टेक्नोलॉजी यूज इन द स्पंज. एंड जो कंट्रोल था रोजीना में फोर एंड टॉप स्पिन एंड काउंटर्स में वो बहुत अच्छा था. सो आगे चलते हैं लूपिंग पे. सो जब मैं इससे लूप कर रहा था मेरे को ये फील हुआ कि जो लूप है वो बहुत स्पिनी है एंड बहुत कंट्रोलेबल लूप जा रहा था. आई नो इट्स अ वेरी फास्ट रबर बट जो लूप था उसमें बहुत एक्यूरेसी मिल रहा था मेरे को. एंड जो स्पिन है, स्पिन जनरेशन था इस रबर से वो बहुत सही था जिससे ओपोनेंट एरर कर रहा था. मेरे को ये लगा जो ये रबर है इसमें जो बॉल है उस पर ज़्यादा ड्वेल मिल रहा है, बॉल थोड़ी देर ज़्यादा स्टिक ऑन कर रही है रबर पे, उसकी वजह से जो स्पिन है, स्पिन जनरेशन है वो बढ़ रहा है. आगे चलते हैं बैक एंड टॉप स्पिन पे. सो बैक एंड टॉप स्पिन में बॉल बहुत डायरेक्ट जा रहा था एंड जो पावर मिल रहा था बैक एंड टॉप स्पिन में वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि बैक एंड पे अगर फास्ट रबर रहेगा तो आपका जो कंट्रोल है वो बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि बैक एंड में स्विंग करना हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू फोर हैंड. एंड जो पावर मिल रहा था बैक एंड में वो बहुत प्यारा सा था. सो जो बैक एंड टॉप स्पिन था उसमें मैं बहुत ज़्यादा पावर दे पा रहा था, प्लस जो स्पिन था बैक एंड टॉप स्पिन में वो बहुत हेल्पफुल था अपने ओपोनेंट को हिंडर करने के लिए. सो आगे चलते हैं बैक हैंड फ्लिक पे. तो जो बैक हैंड फ्लिक था इसमें बहुत कंट्रोलेबल जा रहा था, प्लस स्पिनी था बैक हैंड फ्लिक. एंड यही बोलूँगा कि ये रबर बैक हैंड पे बहुत प्यारा काम कर रहा है, वो है जो फ्लिक जा रहा है वो बहुत स्पिनी जा रहा है. सो उससे ओपोनेंट को बहुत दिक्कत हो रहा था रिसीव करने में. बैक हैंड फ्लिक वॉज वेरी ईजी टू प्ले विद दिस रबर. और जो स्पिन जनरेशन था बैक हैंड फ्लिक के टाइम पर वो बहुत पावरफुल था जिससे ओपोनेंट को बहुत हैरेस करने में मजबूर कर देता. सो अब चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज पे. सो जब मैं चॉप कर रहा था इस रबर से, स्टार्टिंग में मेरे जो बॉल था वो थोड़ा बलून टाइप जा रहा था, बट जैसे ही मैंने थोड़ी देर ज़्यादा चलाया इस रबर को तो मेरे को अच्छा लगने लगा. मैंने ये रबर फोर एंड चॉपिंग के लिए भी यूज़ किया एंड बैक एंड चॉपिंग के लिए भी यूज़ किया. सो दोनों में ही बहुत चॉप अच्छा जा रहा था, बहुत स्पिनी चॉप था. सो जो चॉप्स था वो स्पिनी था, मतलब मीडियम स्पिन था इसमें. ऐसा भी नहीं कि मतलब आपको बहुत हैवी चॉप्स मिलेगा, मीडियम स्पिन चॉप मिलेगा आपको एंड बहुत अच्छे से जाता है बॉल. आगे चलते हैं सर्विसेज पे. जब मैं रोजाना से सर्व कर रहा था अच्छा स्पिन जनरेशन कर पा रहा था एंड उसके साथ मैं अगर कंबाइन करूँ अपना चॉप तो वो एक बहुत डेडली वेपन बन रहा था. जब मैं रोजाना से सर्व कर रहा था फिर मेरे को जैसे ही ओपोनेंट एरर कर रहा है तो उसमें मैं टॉप स्पिन भी बहुत ईजिली मार पा रहा था रोजाना से, जो कि एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है इन मॉडर्न टेबल टेनिस. सो अब चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर. प्रोज, पावरफुल टॉप स्पिन, गुड फोर हैंड एंड बैक हैंड रबर, डेडली फोर हैंड लूप्स, डेडली बैक हैंड टॉप स्पिन एंड फ्लिक्स. कॉन्स, लेस ड्यूरेबिलिटी, एट दिस प्राइस यू कैन फाइंड बेटर रबर.